चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, इस वीडियो का आप में से बहुत लोग वेट कर रहे थे कि मैम आपने ज्वाइन तो कर लिया बट आपकी सैलरी आई होगी तो आपको बताना है कि आपको कितनी सैलरी मिली और जो न्यू ज्वाइनी है उसे कितनी सैलरी मिल रही है। तो 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे मेरी पहली सैलरी मिल चुकी है। तो ये रहा पे स्लिप आपका RRB ऑफिस असिस्टेंट का, जो कि न्यू ज्वाइनी है, और ये 1st मंथ की सैलरी के बारे में बात हो रही है। बट डिफरेंस बस इतना सा है कि हमारा NPS अकाउंट नहीं बना हुआ था, जिस वजह से जितने भी न्यू ज्वाइनी हम लोग अभी UBGB में थे तो उन्हें इस मंथ का जो NPS अमाउंट जो गवर्नमेंट के साइड से मिलता है वो नहीं मिला और डिडक्शन भी नहीं हुआ। तो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में इस मंथ मुझे कितना मिला था और आगे आने वाले मंथ में मुझे ये एग्जैक्टली सेम यही मिलने वाला है जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। बस इस बार डिडक्शन नहीं हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा अलग हमें मिला था। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ की कितनी अलाउंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको डायरेक्टली सैलरी स्लिप नहीं दिखा रही क्योंकि वो उतना क्लैरिटी से आपको नहीं दिख पाता है, इसलिए मैंने हैंड रिटन इसे लिखा है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अलाउंसेस की कि अलाउंसेस क्या क्या सी मिलती हैं और कितने कितने की मिलती हैं। तो सबसे पहले बेसिक है हमारा, बेसिक बनता है हमारा 19,258 और पैसे भी आप देख सकते हो, मैंने उसे भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें हमारा 17,258 बेसिक होता है और 2,000 हमें मिलता है ग्रेजुएट जो भी हैं, ग्रेजुएशन अलाउंस करके ऐसे मिलता है 2,000। ठीक है, तो वो टोटल बन जाता है आपका 19,258। देन स्पेशल अलाउंस में हमें मिलता है 3,158। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिलता है 580 की अलाउंस। अब एज एन ऑफिस असिस्टेंट हमें की अलाउंस इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग को कुछ जो इन कीज़ हैं ब्रांच की उसे हमें संभालना होता है, तो हमें उसी का अलाउंस मिलता है की अलाउंस। ओके, तो ये है 1,209। देन DA, आपको पता है DNS अलाउंस जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, तो वो हमें मिलता है 8,539, जो कि हमारे बेसिक पे ही कैलकुलेट होता है, परसेंटेज जो भी हो उसे हमें बेसिक पे ही हमारा कैलकुलेट होता है। जैसे जैसे हमारा बेसिक बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा DA भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब HRA जो हाउस रेंट अलाउंस है वो हमें मिलता है 2,097। ओके, नाउ DA एंड ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है इस पर हमारा DA बनता है 242 और DA ऑन स्पेशल, यहाँ जो स्पेशल अलाउंस मिला है इस पर हमारा DA मिलता है 1,317। ओके, चलिए नाउ ये नेक्स्ट है हमारा NPS एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इसी के बारे में बात कर रही थी। ये हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है इतना ही इक्वल अमाउंट और इतना ही फिर जो एम्प्लॉयर है यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रीब्यूट करती है। तो ये क्या होता है, ये अभी तो ऐड हो गया हमारे ग्रॉस सैलरी में लेकिन बाद में यही डिडक्ट होता है हमारा NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, इतना हमारे सैलरी से डिडक्ट होता है इतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है तो वो डिडक्ट हो जाती है, बट अल्टीमेटली जब आपका रिटायरमेंट होगा आपको उस टाइम वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपके कैश इन हैंड में इसे नहीं जोड़ा जाता है और वो हमें पैसे बाद में मिलते हैं। तो लेकिन ग्रॉस करने के टाइम हम इसे ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमें मिलता है, तो ग्रॉस जब हम करेंगे तो हमारा टोटल ये सारा जोड़कर क्या हो गया 39,304। ओके, चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डिडक्शन के बारे में, तब हम इस पे आएंगे। अब डिडक्शन हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी सैलरी से कुछ अमाउंट कटता है और उतना ही फिर गवर्नमेंट भी जो एम्प्लॉयर हमारी वो भी हमें देती है। तो हमारी सैलरी से 2,901 कट रहा है, फिर उतना ही गवर्नमेंट हमें दे रही है जो यहाँ पर ऐड हुआ था, है ना, गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो फिर टोटल इतना डिडक्शन हमारे ग्रॉस सैलरी से हो जाता है, ये है हमारा, फिर ये हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों जोड़कर 5,802 हो गया और तो यही हमारे जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से ये माइनस हो जाता है, तो माइनस करने के बाद हमारा हो गया 33,502। तो ये हमारा हो गया नेट सैलरी जो कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और इसे हम कहते हैं इन हैंड सैलरी। हमारी कितनी हो गई 33,502। तो यानी जितने भी न्यू ज्वाइनी हैं इस ईयर RRB में तो उनकी सैलरी ऐसी ही होगी। ठीक है, 33,502। बट इस मंथ क्या हुआ, इस मंथ हमें ये हमारा NPS नहीं कटा, यानी ये वाला अमाउंट हमारे सैलरी से नहीं कटा क्योंकि बहुत लोगों का NPS अकाउंट बना हुआ ही नहीं था तो ये नहीं कटा, इस वजह से ये वाला भी हमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। ठीक है, तो ये जब डिडक्ट नहीं हुआ तो हमारा लगभग 3,000 का
एडिशन हो गया इसमें, क्योंकि ये कटा ही नहीं हमारी सैलरी से। तो इस मंथ की सैलरी जो हमें फर्स्ट मंथ की सैलरी मिली वो हमें 36 के अराउंड मिली, 36,000 समथिंग मिली सबको, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से जब एनपीएस डिडक्शन होगा तो हमें इतनी ही सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या ये सैलरी स्ट्रक्चर जो कि ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन किया जिन्होंने रीजनल रूरल बैंक ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।